हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे? चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले अपने गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएंगे, उस पर सर्च कर लेंगे सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद इस पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सभी पोस्टें खुल जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ एसएससी जीडी कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तैसे आपका फॉर्म खुल जाएगा एसएससी जीडी का। यहाँ देख लेंगे फ़ीस कितनी दी हुई है, कब तक फॉर्म ऑनलाइन होंगे, यह देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, हाई स्कूल पास मांगी गई है। यह देख लेंगे पोस्ट, फोर्स नेम, टोटल पोस्ट देख लेंगे, सभी दी हुई हैं। यहाँ देख लेंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी दी हुई हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, यह पोस्टों का कोड है दिया हुआ, ये देख लेंगे। और यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ ये फिजिकल दिया हुआ है, फिजिकल देख लेंगे क्या क्या मांगा गया है। फिर सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इसके आगे लिखा है क्लिक हेयर, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको फॉर्म यह खुल गया है। देखिए दोस्तों, आपको लॉगिन करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप एसएससी के अंदर कोई भी फॉर्म भर चुके हैं एसएससी का, जैसे एसएससी जीडी है, एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, कांस्टेबल है, एमटीएस है, सीआरपीएफ है, एसएसएफ है, ऐसा आप कोई भी फॉर्म भर चुके हैं तो आपके उसी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा दोबारा, ठीक है। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार फॉर्म भरना तो इसे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये फिर आप जो भी जानकारी ये मांग रहा है उससे वो सब जानकारी भर देंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ है, उम्मीद है कि आप कोई भी किसी ना किसी जॉब में एसएससी की भर चुके होंगे फॉर्म, तो चलिए ठीक है। अगर आप भर चुके हैं फॉर्म तो सीधे लॉगिन करेंगे उसी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। तो बैक चलेंगे हम, जैसे बैक चलेंगे यहाँ पर मांगेगा आपका यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पर मांग रहा है कैप्चा, यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ कैप्चा, मैंने कैप्चा कोड डाल दिया है। अब लॉगिन के वो बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे यह आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुल जाएगा, अगर आप के रजिस्ट्रेशन में किया हुआ में अगर कोई गलती की हुई है, आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो पहले ही सुधार करेंगे। कोई भी चीज़ अपनी बदलना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में, अगर फॉर्म भर देंगे उसके बाद नहीं बदली जाएगी। तो अगर कुछ बदलना है अपने रजिस्ट्रेशन में तो यहाँ मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी जानकारी जो भी आप बदलना चाहते हैं वो बदलेंगे। यहाँ एडिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके मांगेगा, ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे सारी जानकारी खुल जाएगी। जानकारी खुलने के बाद जो भी आपको एडिट करना है वो आप एडिट कर देंगे। तो चलिए, अगर आपको एडिट नहीं करना तो इसे लास्टेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसे अप्लाई का बटन मिलेगा, अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए जब क्लिक करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ सब कुछ जानकारी मांगेगा। यहाँ मांगेगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप सर्विसमैन हैं। अगर आप यस सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सीधे नो कर देंगे। नो करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ मांगेगा वेदर सीकिंग एज रिलेक्शन, क्या आपको एज में छूट चाहिए, आप 23 साल से ऊपर उम्र आपकी हो चुकी है। अगर आपकी 23 साल तक उम्र है तो सीधे नो रखेंगे, अगर आपकी 23 साल से उम्र ऊपर हो चुकी है तो आप यस करेंगे, अगर आपकी 23 साल से नीचे उम्र है तो सीधे नो कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे नो बढ़ेंगे करेंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ 16 नंबर मांगे, आर यू ए नेशनल कैडेट कार्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। यस करने वाला ऐसे जान खुल जाएगा ये दोनों ऑप्शन, अगर नहीं है तो सीधे नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर मांगेगा सेंटर, यहाँ बस सेंटर चूज करना, जो आपके नज़दीक सेंटर पड़ता है वो आप पहले रखेंगे पहले नंबर पर, और उसके बाद ही और नज़दीक वाले सेंटर रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं चूज कर लेता हूँ सेंटर अपने, पहले मैंने ऐसे सेंटर अपना चूज कर लिया, दूसरे पर क्लिक करके दूसरा सेंटर चूज करूँगा, तीसरे पर क्लिक करके
तीसरा सेंटर चूज करना होगा, तो मैं तीसरा सेंटर चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CV, यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज मांगेगा कौन सी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी आप लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे। मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ मांगेगा स्टेट UT ऑफ डोमिसाइल, इस पर क्लिक करेंगे। अपना स्टेट चूज करेंगे, जिस भी स्टेट से आप आते हैं मैं चूज कर लेता हूँ। दोबारा कन्फर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ मांगेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप किस ज़िले से आते हैं, तो आप अपना ज़िला चूज करेंगे। जो भी आप ज़िले से आते हैं अपना ज़िला चूज करेंगे, ज़िला अपना चूज कर लेंगे ऐसे। फिर कंफर्म करेंगे दोबारा, हर चीज़ आपको दोबारा कंफर्म करनी होगी। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मैं कर दिया। अब यहाँ 21 नंबर में आएंगेगा हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट UT ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट पब्लिक UT, क्या आप अनदर स्टेट से संबंधित किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो नो कर दें, यस करेंगे, अगर नहीं किए गए तो सीधे नो कर देंगे। माइग्रेटेड किए गए हैं तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं किए गए हैं तो सीधे नो कर देंगे। चलिए मैं नो कर देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, सीधे नो कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादातर ये नो ही रहेगा, आप नहीं किए गए होंगे उम्मीद है माइग्रेटेड, तो आगे बढ़ जाएंगे वहाँ पर नो करके, यहाँ सब डिसेबल मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मांगेगा पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, पहले जिस भी पोस्ट में जाना चाहते हैं उस पोस्ट का कोड पहले रखेंगे और बाकी कोड बाकी पोस्टों का कोड बाद में रखेंगे, ठीक है। यहाँ बोलेगा पोस्ट डिटेल, इस पर चेक कर लेंगे कौन कौन सी डिटेल हैं, ये पोस्टों के कोड दिए हुए हैं, पोस्टों के नाम है। ये का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, बी का नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सी का कोड है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऐसे अपने इनके कोड देख लेंगे, जो भी कोड है उसी हिसाब से अपना भरेंगे। जैसे हम मानना चाहते हैं CRPF का पहले पोस्ट रखना चाहते हैं, CRPF में आप जाना चाहते हैं तो सी वाला कोड पहले रखेंगे आप, तो और सबका बाद में रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं भर के दिखाता हूँ आपको प्रीफ्रेंस। जैसे यहाँ पे मान लो आप CRPF का पहले रख चाहते हैं तो सी कर दें क्लिक, उसके बाद में ए रखना चाहते हैं, फिर बी को रखना चाहते हैं बी वाली पोस्ट को, फिर ई वाली पोस्ट को रखना चाहते हैं, एच हो गया, डी हो गया, और यहाँ एफ हो गया। ऐसे प्रेफरेंस को भर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद आपको दूसरी प्रेफरेंस ये दी हुई है, इसको वेरीफाई प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट यो पोस्ट फॉर कैप्स और ऑर्गेनाइजेशन, इसको भरेंगे, अप्लाई वेरीफाई करेंगे इसको, जैसे सेम कर देंगे जैसा ऊपर किया है वैसे सेम फिल कर देंगे। ये है, फिर वी भरा है आपने, फिर देखें क्या आपने भरा, तीसरे नंबर में चौथे नंबर में ई भरा है, तीसरे नंबर में ई भरा है, तो एच है, एच, फिर डी है, इसके बाद में एफ है। ये करने के बाद फिर आप देख लेंगे ये आपने पोस्टों के नेम थे, पोस्टों के कोड, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद यहाँ आएगा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ मिनिमम कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको ऑप्शन आ जाएंगे MBA, MCA, MSc, MTech, ME, LLM, MED, आप जहाँ तक पढ़े हुए हैं उसको क्लिक करेंगे। आप इंटरमीडिएट हाई स्कूल सेकेंड ईयर तक 12th तक पढ़े हुए हैं तो सीधे इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपनी हाई स्कूल एजुकेशन देनी है दूसरे ऑप्शन में, तो आप 10th स्टैंडर्ड से हैं तो 10th स्टैंडर्ड क्लिक करेंगे, आप इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड से हैं तो ये चूज करेंगे, तो 10th स्टैंडर्ड से हूँ तो 10th स्टैंडर्ड को क्लिक करूँगा। इसके बाद मांगेगा यहाँ स्टेट
आपके स्टेट से आते हैं, इसको क्लिक करेंगे, स्टेट अपना या हमारे पास है या अपीयरिंग है तो अपीयरिंग चूज कर लेंगे। यहाँ हमारे पासिंग ईयर, आपने कब पास किया हाई स्कूल, तो यहाँ आ जाएगी सिलेक्ट की हुई। आपकी पहले से नहीं आती है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ आएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से हैं, यहाँ पर अपना सब सिलेक्ट होके आ जाएगा, पढ़ के यहाँ रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज अपनी डालेंगे जो भी परसेंटेज है। चलिए मैं अपनी यहाँ पर परसेंटेज डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने परसेंटेज डाल दी है। परसेंटेज डालने के बाद ये खाली रहेगा ऐसे ही। यहाँ पर मैं डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डी ओ पी ए पी एंड टी एस। यहाँ पर कुछ नहीं बनना, यहाँ पर यस करना चाहें तो यस कर देते हैं या फिर नो कर देंगे, तो मैं नो कर देता हूँ सीधे, या यस कर देते हैं, यस कर देता हूँ। अभी नीचे आ जाएंगे, यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ मांगेगा आपसे फ़ोटो, मांगेगा फ़ोटो अपलोड। फ़ोटो कितने के बी में मांग रहा है, 50 KB में मांग रहा है JPG फॉर्मेट में। साइज़ मांग रहा है 3.5 और विड्थ मांग रहा है 4.5 सेंटीमीटर हाइट है। यहाँ पर फ़ोटो चूज कर लें, यहाँ पर साइन सिग्नेचर बनेंगे, 20 KB 10 KB से लगे 20 KB के बीच, और फ़ोटो बनेगा 20 KB से लेकर 50 KB के बीच। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो, और यहाँ पर दिया हुआ है वेदर द फोटोग्राफ द हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 अगस्त। 24 अगस्त से पहले का नहीं होना चाहिए, 24 अगस्त के बाद का ही होना चाहिए आपका फ़ोटोग्राफ, वरना रिजेक्ट होने के चांस हैं फ़ोटो के, ठीक है। तो यहाँ पर यस करेंगे कि आपका 24 अगस्त से पहले का है फ़ोटो, बाद का है फ़ोटो, और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा, फ़ोटो चुनने को आ जाएगा, फ़ोटो जो भी आपका आप बना लेंगे पहले उतनी में, और क्लिक कर देंगे फ़ोटो पे, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डन मांगेगा, डन कर देंगे, फ़ोटो आपका लग जाएगा। यहाँ पर मांगेगा सिग्नेचर, सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। जैसे सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल खुल जाएगी, फिर आप सिग्नेचर को क्लिक कर लेंगे, डन करेंगे, यहाँ अपना सिग्नेचर लग जाएगा। सिग्नेचर लगने के बाद सीधे करेंगे एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा फिर आप देख लेंगे सारी जानकारी, नीचे आ जाएंगे, सब कुछ आपका फिल किया हुआ दिखा देगा, आपने कौन सी जॉब के लिए किसके लिए किया हुआ है। अब नीचे आ जाएंगे, सबसे यहाँ मांगेगा सबमिट या एडिट, अगर आपने कोई गलती कर रखी है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट मॉडिफाई पे, और आप अपनी जानकारी बदल सकते हैं। अभी अगर हम नहीं बदलना चाहते हैं, आपकी सब कुछ जानकारी ठीक है, तो सीधे सबमिट पे क्लिक करेंगे, और आपका अब मांगेगा ओके यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, क्या आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो कैंसिल करके अभी भी एडिट कर सकते हैं, या सही है सब कुछ तो फिर ओके कर देंगे। ओके करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपकी कोई OBC या जनरल या EWS से आते हैं तो आपकी फ़ीस कटेगी 100 रुपये, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपकी 0 फीस है, या आप फीमेल हैं तो आपकी 0 फीस है, तो आपके लिए तो सीधे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए, अगर आपकी फ़ीस नहीं कट रही है तो। अगर आपकी फ़ीस कट रही है तो आपके लिए फ़ीस काटने का ऑप्शन आ जाएगा और उस पर क्लिक करेंगे, अपनी फ़ीस काट देंगे। तो हम SC से हैं तो सीधे ओके करें, प्रिंट के लिए ऑप्शन आ गया, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे अपना प्रिंट भी निकल आएगा, ऐसे देखेंगे। डाउनलोड के लिए आ गया, डाउनलोड कर देंगे, हो गया डाउनलोड सीधे ओके। PDF के लिए आ गया, अब सीधे ओके कर देंगे, बैग जाएंगे ओके कर देंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। तो चलिए, जानकारी अगर अच्छी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।